राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है। मामला आगमकुआं थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी स्थित गंगा प्रदूषण के पास की है, जहां पर आज सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने जब इस मृत युवक का शव पड़ा हुआ देखा तो इसकी सूचना स्थानीय आगमकुआं थाना पुलिस को दी गई। हालांकि युवक की हत्या गोली मारकर की गई है। युवक को गोली सिर में मारी गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक की हत्या कहीं और की गई है और लाश को यहां लाकर ठिकाने लगा दिया गया है। हालांकि पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए एनएमसी भेज दिया है। लोग यहां तक की बात कर रहे हैं कि युवक की हत्या बस स्टैंड के एजेंटी के चक्कर में हुआ होगा, क्योंकि बराबर इस तरह के मामले होते रहते हैं जिसके चलते मारपीट होती रहती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अपराधियों ने किस मंशा के साथ इस युवक की हत्या कर इसको ठिकाने लगाया है, या तो पुलिस जांच के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। जीजा के भैया के बोले नारायण सिंह क्या बोले कि अशोक डेरा पे आया है कि नहीं, हम प्ले नहीं अठ नहीं आए हैं। हालांकि हमको कॉल आया था सतीश का कि उसके साथ मारपीट हुआ है और उसको चार आदमी उठा के ले गया है और हम उसको पता करके हम आते हैं। उसके बाद फिर वो चला गया नारायण सिंह इधर उधर कुछ खोजने। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लोग फिर यहाँ चले आए। मालूम हुआ तो कब आपको फ़ोन किए थे? मेरे पास मोबाइल नहीं था और इनके मोबाइल हम लगा रहे थे तो स्विच ऑफ बता रहा था। रात में कल कब गए थे? सुबह कल शाम को 6 बजे। कल शाम तो रात में वहीं रहते थे? हाँ, सुबह 7 बजे आते थे। आज आपको जो सूचना दी वो क्या बजे दिया? वो सुबह 7 बजे आए थे। कभी किसी से झंझट वगैरह की कोई बात नहीं? किसी से नहीं, किसी का से नहीं हुआ था कभी। नहीं, कभी कुछ नहीं बताते थे? नहीं, होता ही नहीं। बोला ना था। क्या करते थे वो? नहीं होते, वो बस में हॉकर का काम। हॉकर वाला था। क्या नाम था उनका? अशोक से। घटना तो हमको सूचना मिली है कि गंगा प्रदूषण के आगे वो शव पड़ा हुआ है। हम वहाँ गए तो देखे कि गोली लगा हुआ मृत शव पड़ा हुआ है। मुँह हाथ भी बांधा हुआ था कुछ? हाँ, गमछी से उसका मुंह बांधा हुआ था। पहचान हो पाई है? पहचान हुई है। मोबाइल था उसके पास, कीपैड एगो मोबाइल था, उसी में नंबर था तो नंबर लगाए। तो उनका परिजन लोग से बात हुआ तो लोग आए तो पहचान। क्या नाम है? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरपुर अथमल गुला। कुछ परिजन कुछ बता रहे हैं कि किस कारण से हत्या हुई है? ये हमको अभी नहीं बता। यहाँ कहाँ आए थे? इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।